हेलो फ्रेंड, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल फंक्शंस करेंगे कि हमें एक बार कलर की सेटिंग्स कर दे, हमें बार बार ना करनी पड़े। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके फंक्शन को बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है और मैंने यहाँ से इसका कलर सेट कर दिया है, राइट। अब इसको हम एक नाम दे देंगे सेल स्टाइल्स में जाके, ठीक है, क्रिएट स्टाइल्स। यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नाम ए दे दिया है, या इसको हम टाइटल दे देते हैं, नाम टाइटल हमने इसको नाम दे दिया, ओके। अब जैसे ये जो हमारी हेडिंग्स है सारी, जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन दिख रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से हमने पर्पल कलर दिया है, बोल्ड दिया है, अंडरलाइन दिया है। इसका साइज मैंने 18 दिया है। इसके बाद मैंने इसको भी एक नाम दे दिया है यहाँ से, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग वन, ओके। दो नाम हो गए, देखिए हमारे यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट में को ये जो हमारी ये वाला मैटर है, इस मैसेज को हमें जिस कलर से लिखना है वो कलर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। फ़ॉन्ट का स्टाइल हम जो सा इसके लिए चाहते हैं वो फ़ॉन्ट का स्टाइल ले लिया है, साइज जितना हमें चाहिए उतना ले लेंगे। इसके लिए मैंने 14 साइज रखा है, ठीक है। अंडर इटैलिक करना, इटैलिक भी कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर फिर इसका एक नेम दे देंगे क्रिएट स्टाइल में, कि हम जो भी मैसेज लिख रहे हैं पैराग्राफ वो इस तरीके से हो, इस कलरिंग में हो, ठीक है। मैंने सिर्फ इसी के लिए सेट किया है। अब बिल्कुल सेम सेटिंग मेरे को जो मैंने यहाँ पर करी है मोर टूल्स के लिए, द मैग्नीफायर के लिए भी करनी है, द कलर पिकर्स के लिए भी करनी है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको बस सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए स्टाइल्स में हमारे यहाँ पर यह आ गया है, ये देखिए, बस इस पर क्लिक करना है। ये देखिए जो हमने सेलेक्ट किया है, क्लिक कर देंगे। ये देखिए जो मैंने इसके लिए फ़ॉन्ट का स्टाइल लिया था, बोल्ड, अंडरलाइन, कलर इसका साइज 18 लिया था, कलर लिया था पर्पल, सेम इसके लिए भी आ रहा है। ये देखिए बस एक क्लिक से आप देख रहे हो आ रहा है, बस हमें यहाँ से एक क्लिक करना है, सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। ये देखिए सेलेक्ट किया और उसको हमने जहाँ जहाँ भी हमारी हेडिंग्स हैं उसके लिए सेम स्टाइल्स हम चूज करेंगे। सेलेक्ट किया और हमने हेडिंग्स पर क्लिक कर दिया है, जहाँ 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 पर भी हमारी हेडिंग्स है, बस एक ही बार फंक्शन दिया। अब हम जो पैराग्राफ्स हम लिख रहे हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसको सेलेक्ट किया, उसके लिए मैंने ग्रीन सेट किया था। ये देखिए पैराग्राफ के लिए बस ग्रीन पर क्लिक कर देंगे, एक ही क्लिक से देखिए अब ये हमारा काम हो जा रहा है। इसमें हम स्टाइल फंक्शन का यूज कर जो कलरिंग का हमारी सेटिंग्स का टाइम है वो सब टाइम हमारा बच जाता है, जहाँ पर हमारा ज़्यादा लंबा मैटर हो। ये देखिए बस मैं सेलेक्ट करती जा रही हूँ और यहाँ पर इसको क्लिक करती जा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ से बस क्लिक करना है हमें और हमारा टाइम उसमें सेटिंग्स का बच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ्स लिया है, अब आता है कि हमें मान लो हमने यहाँ पर पर्पल कलर कर दिया है, राइट। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो हम एक एक को सिलेक्ट करने के हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, तब हम क्या करते हैं, एक पर कर्सर रखते हैं, सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये देखिए सेम कलर का सिलेक्ट हो गया है, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सभी का एक साथ चेंज हो गया, जहाँ जहाँ पर भी कलर था हमारा वहाँ पर एक साथ चेंज हो गया है। इसी तरीके से हमें इसका भी अगर चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, और हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, जो भी अपनी पसंद का है हमारा वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए एक साथ हमारे पूरे पैरा पेज का जहाँ जहाँ पर भी हमारा पैराग्राफ लिखा था एक ही साथ एक ही क्लिक से हमारा चेंज हो गया है। इस तरीके से हम स्टाइल फंक्शंस का यूज कर सिमिलर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं पैराग्राफ्स में, हेडिंग्स में, और सेल यहाँ पर सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज करके एक साथ हम कलरिंग को चेंज भी कर सकते हैं, सेम जो हमने हेडिंग्स दी है सेम हमने पैराग्राफ दिए हैं। इसके लिए हम स्टाइल फंक्शन का यूज करते हैं, और जो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। इस किसी भी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ्स लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो और ये सेटिंग्स करके देख सकते हो। इससे हमारे समय की भी बचत होती है और हमारी एक क्लिक से रिजल्ट्स भी आ जाता है। आपने देखा एक क्लिक से मैंने कलर्स की चेंजिंग की है,
ये फंक्शन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया है। इसमें स्टाइल्स फंक्शंस और भी इसमें बनी बनाई स्टाइल्स हैं। ये देखिए हम अपने स्टाइल्स हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पर, स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।